हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स और बाकी एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर द मुंबई म्यूजिशियंस। ये यूनिट 8 का चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रीडिंग इज फन सेक्शन, जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं, उनके हम आंसर लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फार्मर टेल गोपू टू सी द वर्ल्ड। फार्मर ने, किसान ने गोपू को दुनिया देखने को क्यों कहा? आंसर इज द फार्मर टोल्ड गोपू टू सी द वर्ल्ड बिकॉज ही वॉज टू ओल्ड टू कैरी लोड्स। किसान ने गोपू को दुनिया देखने को इसलिए कहा क्योंकि वो बोझा उठाने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड गोपू डोपू एंड फरी वॉन्ट टू गो टू मुंबई। गोपू डोपू और फरी मुंबई क्यों जाना चाहते थे? आंसर इज गोपू डोपू एंड फरी वॉन्टेड टू गो टू मुंबई टू बिकम म्यूजिशियंस। गोपू डोपू और फरी मुंबई संगीतकार बनने जाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द पीपल इन द हाउस रन अवे। घर में जो लोग थे वो क्यों भाग खड़े हुए? आंसर इज द पीपल इन द हाउस रैन अवे बिकॉज दे थॉट दैट गोस्ट हैड कम टू स्केयर देम। घर में जो लोग थे वो भाग खड़े हुए क्योंकि उन्हें लगा कि भूत आ गए हैं उन्हें डराने के लिए। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो दी है पेज नंबर 133 पर। लेट्स सॉर्ट आउट दीज वर्ड्स। यहाँ पर आपको 2 बैग दिख रहे हैं जिसमें कुछ वर्ड्स हैं। पिक द वर्ड्स फ्रॉम द बैग्स एंड पुट देम ऑन द राइट शेल्फ। और नीचे एक अलमारी है जिसमें 4 शेल्फ हैं। आपको क्या करना है, दोनों बैग में से वर्ड लेने हैं और उसकी सही शेल्फ में रखने हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए पहले से किया हुआ है। तो आइए करते हैं इस एक्सरसाइज को। इसमें आप देख रहे हैं शेल्फ को, तो फर्स्ट बैग में से आप वर्ड उठाएंगे। फर्स्ट शेल्फ में लिखना है शॉर्ट ई वर्ड्स, वो शब्द जो ई वर्ड्स हैं। एल ई जी लेग पहले से लिखा हुआ है। इसमें आप लिखेंगे एन ई एस टी नेस्ट, डब्ल्यू ई डबल एल वेल और बी ई डबल एल बेल। फिर आते हैं दूसरी शेल्फ में शॉर्ट आई वर्ड्स, इसमें पी आई जी पहले से लिखा है। आप लिखेंगे एफ आई एस एच फिश, एल आई पी लिप, एच आई डबल एल हिल। तीसरी शेल्फ में है लॉन्ग ई वर्ड्स, ई लेटर के बड़े शब्द। पहला है डीप जो पहले से लिखा है, आप इसमें लिखेंगे एस डबल ई डी सीड, टी आर डबल ई ट्री, एस टी आर डबल ई टी स्ट्रीट और एम ई ए एल मील। लास्ट शेल्फ में है लॉन्ग आई वर्ड्स जिसमें स्माइल पहले से लिखा है, आप लिखेंगे डी आई सी ई डाइस, के आई टी ई काइट और एल आई एन ई लाइन। नेक्स्ट हम करेंगे लेट्स राइट जो दिया है पेज नंबर 134 पर। डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपसे पूछा गया है कि क्या आप किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं? यस आई। अब आपको लिखना है जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं। मैंने यहाँ ड्रम लिखा है। यस आई कैन प्ले ड्रम। ड्रम की जगह आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपको बजाना आता हो या आपकी बजाने की इच्छा हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इफ नो विच इंस्ट्रूमेंट डू यू वॉन्ट टू लर्न। अगर आप नहीं बजाते तो आप कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहेंगे? आई वुड, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिख सकते हैं। मैंने लिखा है लाइक टू लर्न गिटार, मैं गिटार सीखना चाहूंगा। नेक्स्ट, एड द वर्ड ऑफ द अपोजिट जेंडर इन द गिवन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस नीचे दिए हैं जिसमें लाल रंग से एक नाउन लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा है, आपको फिल इन द ब्लैंक में उसका अपोजिट जेंडर लिखना है। अपोजिट जेंडर जैसे मेल है तो उसका फीमेल लिखना है, और अगर फीमेल दिया हुआ है तो आपको उसका
मेल लिखना है, तो पहला क्या है, अंजूस मदर, यहां पर आपको ब्लैंक में मदर का अपोजिट जेंडर लिखना है, अंजूस मदर, एंड आप क्या लिखेंगे, मदर के सामने फादर, एंड फादर केम टू द स्कूल, माय अंकल, एंड अंकल जहां लिखा है उसके आगे लिखेंगे ब्लैंक में आंटी, केम टू विजिट अस ऑन मंडे, द लॉयन एंड लॉयनेस looked lovingly at their cub. The king. King जहां लिखा है उसके आगे लिखेंगे queen. The king and queen sat on beautiful thrones. The man is running and the woman is talking. My grandfather and grandmother went to the market. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत पेज नंबर 136 से होती है. इन व्हाट वे आर दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इस पेज पर जो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं ये एक दूसरे से किस तरह से भिन्न हैं. पुट देम इनटू थ्री ग्रुप्स बेस्ड ऑन हाउ दे आर प्लेड. अगले पेज पे तीन ग्रुप्स बने हैं और आपको एक एक ग्रुप में रखना है जिसके हिसाब से इन्हें बजाया जाता है. फर्स्ट ग्रुप यू कैन सी इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू प्ले विद फिंगर्स. पहला जो घेरा बना हुआ है उसमें आपको उन वाद्यों को रखना है जिन्हें उंगलियों से बजाया जाता है. तो यहां आप लिखेंगे तबला, डफली और ढोलक. इन तीनों वाद्यों को उंगलियों की सहायता से बजाया जाता है. दूसरा सर्कल आपको दिखेगा जिसके ऊपर लिखा है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जिसमें तार होते हैं. वो कौन से होते हैं, गिटार, सितार, वायलिन और एक तारा. तो इन्हें आप इस सर्कल में लिखेंगे. नीचे थर्ड सर्कल में क्या लिखा है, इंस्ट्रूमेंट्स दैट यू ब्लो इनटू. वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो वाद्य जिसमें आप हवा फूंकते हैं और वो बजते हैं, वो कौन कौन से हैं, शहनाई और फ्लूट, फ्लूट यानी बांसुरी. तो इनमें हवा फूंक कर इन्हें बजाया जाता है. नेक्स्ट एक्सरसाइज है पेज नंबर 138 पर, जिसमें दो कप्स बने हुए हैं और दो वर्ड्स अलग अलग लिखे हैं, आपको उन्हें मिलाकर लिखना है. तो सबसे पहले लिखा है न्यूज़पेपर, इसका आंसर पहले से लिखा है न्यूज़पेपर. स्कूल और बैग मिलाकर बन गया स्कूल बैग. टूथ प्लस पेस्ट, टूथ पेस्ट. नेक प्लस लेस, नेकलेस. सम प्लस वन, समवन. बाथ प्लस रूम, बाथरूम. टाइम प्लस टेबल, टाइम टेबल. फुट प्लस बॉल, फुटबॉल. कार प्लस पेट, कारपेट. सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे. आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए. अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.